फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। आज मैं अपने न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ आपके सामने। जो मैं बोला था, बीबीएस ऑफ स्लैब, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सो एकदम ध्यान से देखो और ध्यान से सीखो। एक बात बता दूँ, इस वीडियो को देखने से पहले, इस बीबीएस को सीखने से पहले, अगर मेरा पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर पहले देखें आप। ये वीडियो था पहला, कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार। ये अगर निकालना सीख जाओगे तो स्लैब का जो बीबीएस है वो बहुत इजी हो जाता है निकालना। इसलिए मैं रिक्वेस्ट है, पहले आप जाके इस वीडियो को देखो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो इस वीडियो को। तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को देख लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए समझने के लिए। आप बहुत इजीली वे में समझ पाओगे बीबीएस स्लैब का, ठीक है? और ये मेरा वेबसाइट है, आप तो जानते ही हो, मैंने लॉन्च किया है www.learningtechnology.com। आप यहाँ पे जाके भी मेरे सारे पोस्ट को पढ़ सकते हो। और आज के बाद से, मतलब कल या परसों से, मैं क्या करूँगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स डालना चालू करूँगा अपने वेबसाइट पे, आप ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सको उसे, ठीक है? तो ये हुआ मेरा वेबसाइट। अब जाओ इसको भी देखो कैसा लग रहा है, फीडबैक में बताओ। मैं अपना ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चालू कर रहा हूँ अपना वीडियो, ठीक है? तो ये है मेरा ट्यूटोरियल बीबीएस स्लैब का, ठीक है? देखो, बीबीएस ऑफ स्लैब टू वे वन वे, ये होता क्या है ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा एक वीडियो बनाकर। फिलहाल मैं बता देता हूँ टू वे होता क्या है, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये देख लो, सपोज कर लो एक छोटा सा स्लैब है जिसका ये लेंथ कुछ है, ये लेंथ कुछ है। इसको मैं मान लेता हूँ एल एक्स, इसको मान लेता हूँ मैं एल वाई, ठीक है? वेयर एल एक्स क्या है, लॉन्गर स्पैन। जो लॉन्गर स्पैन होगा उसको आप क्या करोगे, एल एक्स पकड़ना, और शॉर्टर स्पैन को एल वाई पकड़ना। सपोज चलो एल एक्स को मैं पकड़ लेता हूँ 10 मीटर, और एल वाई को मैं पकड़ लेता हूँ कुछ भी पकड़ लो 8 मीटर, ठीक है? तो क्या बोलता है डेफिनेशन टू वे स्लैब का, एल एक्स बाई एल वाई, मतलब एल एक्स और एल वाई का जो रेशियो होगा, मतलब लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होगा, उसका जो आंसर आएगा वो अगर लेस देन 2 होता है तो उसे हम बोलेंगे टू वे स्लैब, ठीक है? देख लो यहाँ पे 10/8, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज़ लेस देन 2, ठीक है? तो क्या हम इसे क्या बोल सकते हैं, टू वे स्लैब। और सिर्फ यही एक फंडा नहीं है टू वे स्लैब डिसाइड करने का, और भी बहुत सारा फंडा है, मैं बताऊंगा सब धीरे धीरे, उसके लिए मैं डिटेल से बताऊंगा। सपोज एक देख लो, स्लैब का जो लोड ट्रांसफर होता है ना, वो इस वे में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट है, यहाँ अगर सपोर्ट है, तो इतना पार्ट का जो लोड है वो ट्रांसफर होता है इसमें इसमें, इसे हम लोग बोलते हैं वन वे स्लैब। यही अगर चार सपोर्ट होता, मतलब चारों तरफ अगर बीम होता, तो ये पार्ट का लोड जो है वो इधर ट्रांसफर हुआ, इसका इधर ट्रांसफर हुआ, इसका इधर, इसका इधर, तो इसे हम बोलते हैं टू वे स्लैब, ठीक है? ये मैंने शॉर्ट पे आज बता दिया समझने के लिए। वैसे मैं इस पे एक वीडियो बना के डालूंगा ही, मैं सोच ही रहा हूँ। तो ठीक है, आगे चालू करते हैं बीबीएस का पार्ट। ये है हमारा ड्राइंग, पहले ड्राइंग को स्टडी कर लेते हैं कि ड्राइंग कहना क्या चाहता है। ड्राइंग समझ लोगे तो समझ लो 60%, तो बीबीएस वहीं पे खत्म। तो ये एक स्लैब है, ठीक है? ये डॉटेड लाइन से जो मैंने दिखाया है वो एक हिडन लाइन है बीम का, ठीक है? देख लो, मैंने ये अंदर में जो पार्ट है वो स्लैब का पोर्शन है, ठीक है? तो मैंने इस लेंथ को कितना पकड़ा है, 5 मीटर, इसको मैंने एल पकड़ा है, ठीक है? और इधर इधर जो है, यहाँ से यहाँ तक को कितना पकड़ा है मैंने, 6 मीटर, इसे मैंने एल डैश से डिनोट किया है, ठीक है? ये मेरा है 5 मीटर क्लियर स्पैन जिसको बोलते हैं, ठीक है? क्लियर स्पैन स्लैब का वो है 5 मीटर, और इधर है 6 मीटर, ठीक है? ये है मेरा बार। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, एक स्ट्रेट है, एक बेंट अप है, ठीक है? तो देखो मैंने डिटेल्स में यहाँ पे क्या दिया है, ऑल बार्स आर 12 मिलीमीटर डाया एट 100 सेंटर टू सेंटर, ऑल्टरनेट बेंट अप बार। ऑल्टरनेट बेंट अप का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट के मतलब होता है एक के बाद एक,
मतलब देख लो, ये जो स्लैब है, एक स्ट्रेट आएगा, एक बेंट अप बार आएगा, फिर एक स्ट्रेट आएगा, एक बेंट अप आएगा, एक स्ट्रेट आएगा, फिर एक बेंट अप आएगा। इसे ही बोलते हैं ऑल्टरनेट बेंट अप। ठीक है, सेम इस डायरेक्शन में भी, एल डैश के डायरेक्शन में भी, एक स्ट्रेट आएगा, एक ऑल्टरनेट बेंट अप, एक स्ट्रेट आएगा, एक ऑल्टरनेट बेंट अप, ऐसे करके करके जाएगा। और सारा का स्पेसिंग क्या है, 100 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, हम लोग ये इसको हम लोग रखेंगे 100 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, डाया कितना बोल दिया है सबका, 12 mm पकड़ लिया हूं मैंने। ठीक है, देखो टॉप एंड बॉटम क्लियर कवर कितना पकड़ा है, 25 mm। डेवलपमेंट लेंथ मैंने कंसिडर किया है 50 D। और मैं पहले बता दूं, ये मैं कंसिडर किया हूँ, बट ये जो डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है, ये डिज़ाइन करके जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं वो ड्राइंग में दे देते हैं कितना है। ठीक है, बहुत कोई मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमेशा 50 D ही क्यों कंसिडर करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 40 D भी हो सकता है, 45 D भी हो सकता है। ये ड्राइंग डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो है वो दे देते हैं कितना पकड़ना है। मैं यहाँ 50 D के एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ के आपको बता रहा हूँ। थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है, 200 mm। ठीक है, देखो इस ड्राइंग को मैंने क्या किया है, दो सेक्शन में काटा है। एक तो है देखिए ए ए, इधर मतलब इस व्यू से जब मैं देखूंगा तो क्या दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा, और जब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा तब मुझे ये सेक्शन दिखेगा। ठीक है, एक चीज अब देखो इस सेक्शन को, अब ध्यान से इसमें देखो। अच्छा, और एक चीज बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत, वो मेन बार और बाइंडर। यहाँ मैंने 2A स्लैब है, मैंने दोनों को मेन बार पकड़ा है, बट एक फंडा याद रखना क्या होता क्या है, मेन बार किस डायरेक्शन में दिया जाता है, शॉर्टर स्पैन और ये लॉन्गर स्पैन है, ड्राइंग से पता चल रहा है। तो शॉर्टर स्पैन में ऑलवेज मेन बार होता है। ठीक है, मेन बार जो होगा वो ऑलवेज शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में होगा, और लॉन्गर स्पैन में जो होता है उसे बोलते हैं बाइंडर। ठीक है, ये है बाइंडर, बाइंडर या कह लो डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार। और शॉर्टर स्पैन में क्या है, मेन बार। मेरा ये इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कोई पूछ देते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखो, अभी मैं इस फेस से देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ, सेक्शन ए पे काटा हूँ और इधर से देख रहा हूँ, तो देखने पे मुझे क्या दिखेगा, देखो ये बार जो है एक स्ट्रेट है और एक बेंट अप है। तो ये देखो, ये मेरा स्ट्रेट बार है और उसी लेयर में बेंट अप भी है। देखो बेंट अप का देख रहे हो, ये पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के लेयर में ही खड़ा है, बट यहाँ पे जाके वो ऊपर उठ गया है, ये बेंट हो गया, समझ गए। फिर इसके बाद क्या होगा, एक स्ट्रेट जाएगा, फिर एक इसी तरह से बेंट अप जाएगा। ठीक है, और ये देखो, ये बेंट अप जो हो रहा है ये कितना होता है, ये भी स्टैंडर्ड कुछ होता है वैल्यू इसका। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, बीम के इनर फेस से ये जो बेंट अप जहाँ से चालू हुआ है ये L/5 मैंने पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये L है, ये देखो ऊपर मैंने दिखाया L, ये L है, इसलिए इसको L/5, इसको L/5, इधर वाले को मैंने कितना पकड़ा है, L डैश, इसलिए देखो इधर मैंने दिखाया है L/-, सॉरी L-/5, L-/5। अब आप जानना चाहोगे क्या ये L/5 ऑलवेज होता है, तो नहीं, मैंने L/4 to L/5 तक ड्राइंग में देखा है। ठीक है, इसका वैल्यू L/4 से L/5 तक मैंने देखा है, ये डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा। सो ऐसा मत कंसिडर कर लेना कि L/5 भी हमेशा होगा, ये ड्राइंग में दे देता है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ड्राइंग में स्पेसिफाई मेंशन कर देंगे कि ये कितना है। ठीक है, तो चलो ये समझ गए, और इधर से जब देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, देख लो ये डॉटेड डॉटेड क्या है, इस डायरेक्शन में जो बार दिया गया है वो मेरा डॉटेड डॉटेड दिख रहा है। ठीक है, चलो ड्राइंग क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। ये बता दूं, जहां पे बेंट अप हो रहा है उसका डिटेल्स थोड़ा सा, बेंट अप का तो मुझे लेंथ भी निकालना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे बड़ा चीज, मुझे ये डी कैसे भी निकालना है, डी का वैल्यू, ये डी नथिंग, ये डी जो है ये नथिंग बट इस स्लैब का सेंटर से
इस रॉड का सेंटर से इस रॉड का सेंटर तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको, इसके टॉप से, जस्ट इस बार के टॉप से क्या किया, इस बार के ऊपर तक रख दिया है। बात एक ही है, ठीक है। इस डी को निकाल लो कितना है, थिकनेस ऑफ स्लैब पता है मुझे, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है, 200, 200 माइनस 50-50। अगर यहाँ से मैं कवर को यहाँ से माइनस करूँ और कवर को यहाँ से माइनस करूँ तो कितना आएगा, 50, 25 इधर से, 25 इधर से। और एक क्या करना है, ये बार का डाया माइनस करना है, ये बार का डाया कितना है, 12। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 138 mm। ये डी को याद रखना, ठीक है। पूरे इस ड्राइंग में दो चीज़ है, एक है कैपिटल डी, एक है स्मॉल डी। डी क्या है, डाया ऑफ बार, और कैपिटल डी क्या है, यहाँ पे जो हम लोग बेंड ऑफ बार के लेंथ में यूज़ करेंगे वो डी है, ठीक है। चलो, तो ये हुआ ड्राइंग। अब हम चालू करते हैं कैलकुलेशन से। तो पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सेक्शन ए के लाइन में जो बार है, मतलब इस डायरेक्शन में जो बार है, इस डायरेक्शन में जो बार है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले मैंने कैलकुलेट करके रखा है ताकि जल्दी हो जाए, मैं सिर्फ समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। सेक्शन ए में आते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देख लो, कुछ भी निकालने से पहले मैं नंबर ऑफ बार्स पहले निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का बार है, एक है क्रैंक्ड बार, ठीक है, और एक है क्रैंक्ड बार जो कि ऐसे है, और एक है स्ट्रेट बार। तो मुझे जानना है ना कि क्रैंक बार कितना है, स्ट्रेट बार कितना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, देखो नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस वन, लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लेंथ कौन सा लेंगे, सबसे पहले ये समझ लो अच्छा से। देखो ये मेरा ड्राइंग है, ठीक है, ये प्लान। देखो इस वे में जब हम ऐसे ऐसे डाल रहे हैं बार को, तब मेरा कौन सा लेंथ यहाँ पे आना चाहिए, ये लेंथ आना चाहिए। क्योंकि देखो जब हम इस लाइन में बार को प्लेस करेंगे, ऐसे ऐसे जब बार प्लेस करेंगे, तब स्पेसिंग के लिए मुझे ये लाइन जो है बताएगा कि कितना नंबर ऑफ बार होगा। देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये मैं बार प्लेस किया 100 सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, कितना नंबर ऑफ बार आएगा, ये लाइन मेरा डिसाइड करेगा, ठीक है। तो गलती से ये मत पकड़ लेना, हम भले बार इस लाइन में डाल रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, बट स्पेसिंग डिसाइड करेगा ये लाइन। सो मुझे ये लगेगा जो कि एल डैश है, ठीक है। तो देखो एल डैश कितना है यहाँ पे, 6 मीटर, 6 मीटर है ना। तो चलो लेंथ कितना लिए हैं, 6 मीटर बाई 100, स्पेसिंग कितना है, 100 प्लस 1, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 61 नंबर्स आएगा। 61 नंबर्स को हम लोग इक्वली डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रैंक्ड वाले में एक ज़्यादा ले लेंगे। क्रैंक्ड वाले में हम 31 ले लेंगे, स्ट्रेट वाले में 30 ले लेंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया, मेरा निकल गया, और अब कुछ भी नहीं है। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे क्रैंक्ड बार का, क्रैंक बार में कुछ नहीं, पहले लेंथ ले लो टोटल। टोटल लेंथ लेने का मतलब क्या हो गया, टोटल लेंथ लेने का मतलब हम लोग पूरा पहले एल लिए, ठीक है। एल का मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लिए, मतलब क्लियर स्पैन ले लिए हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो है ये हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस क्रैंक, देखिए ये क्रैंक है, ये क्रैंक है, इसको ऐड कर दिए, प्लस एल डी, एल डी देखो बाहर निकला है, उस एल डी को ऐड कर दिए, माइनस बेंड। अब बेंड के लिए जो माइनस करना होगा वो माइनस कर देंगे, इतना करने से ही मेरा कटिंग लेंथ निकल जाएगा इसका, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से पूरे डिटेल्स में बताया हूँ, अब मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पर देख लो, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। लेंथ कितना है, एल कितना है मेरा, 5 मीटर, ठीक है, 5 मैंने मिलीमीटर यहाँ पे लिखा है, 5000 प्लस। क्रैंक के लिए मैंने बताया था 0.42 डी लेते हैं एक क्रैंक के लिए, ठीक है। एक जो ये बेंट है,
एक बेंट के लिए 0.42 D होता है। तो यहाँ पे कितना टोटल बेंट है, एक दो इंटू टू प्लस एल डी। एल डी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है 50 D, 50 D इंटू टू। टू क्यों, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। माइनस देखो 4 × 1 D, 4 × 1 D क्यों, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 45 डिग्री बेंड के लिए 1 D डिडक्ट होता है और 90 डिग्री बेंड के लिए 2 D डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री का कितना बेंड है, एक दो तीन चार, चार बेंड है ठीक है। देखो एक दो तीन चार, चार बेंड हुआ ना, इसलिए 4 × 1 D। माइनस 2 × 2 D, 2 D किसके लिए हम डिडक्ट करते हैं, 90 डिग्री बेंड के लिए। टोटल यहाँ पे कितना दिखाया है, टू, देख लेते हैं दो है कि नहीं। हाँ देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसलिए 2 × 2 D ठीक है। अब इसको जस्ट सॉल्व कर दो, D की जगह कितना बैठेगा, 138 जो हमने यहाँ पे निकाला था, 138 ठीक है। और ये D की जगह क्या बैठेगा, 12 जो मेरा डाया ऑफ बार है ठीक है, जो डाया ऑफ बार है देख लो यहाँ पे 12। तो ये डाल के जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6220 मिलीमीटर, या कह लो 6.22 मीटर ठीक है। तो ये मेरा निकला एक लेंथ, एक नंबर ऑफ बार का। टोटल मेरा क्रैंक बार कितना नंबर्स है, 31 नंबर्स। तो फॉर 31 नंबर्स मल्टीप्लाई कर देना, 192.82 मीटर आएगा ठीक है। चलो अब आते हैं स्ट्रेट बार पे। स्ट्रेट लेंथ तो और इजी है, कोई बेंड ही नहीं है इसमें। तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा, पहले एल प्लस एल डी। एल कहाँ से कहाँ तक है देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक एल हुआ मेरा, और उसके बाद जो ये अंदर जा रहा है वो मेरा एल डी है ठीक है। तो एल मेरा कितना है, 5000 प्लस एल डी कितना होगा, 2 × 50 D। दो एल डी है ना, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो 2 × 50 D जस्ट वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा 6.2 मीटर। और स्ट्रेट बार कितना है टोटल मेरा, 30 नंबर्स ठीक है। तो फॉर 30 नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, 186 मीटर आएगा। अब आते हैं टॉप बार एक्स्ट्रा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्राइंग में बहुत कोई समझ ही नहीं पाता है कि ये बार है कहाँ पे, ये बार हम दिए कहाँ पे है ठीक है। तो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखो उसको ठीक है, फिर जो करना है कर लेना। देखो ये स्लैब है ठीक है, देखना जब इसको टॉप से देखोगे आप, इसको टॉप से जब आप देखोगे तो देखना इस स्लैब के चारों साइड में यहाँ पे एक मेस टाइप का बन जाएगा। ये थ्रू आउट लेकिन नहीं बनेगा, चारों तरफ नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मेस बनेगा। ये जो चार साइड है यहाँ पे मेस बन जाता है ठीक है। और डिटेल्स में थोड़ा दिखा दूँ, देख रहे हो जो अल्टरनेट बेंट अप बार जो था, सॉरी जो बेंट अप बार है वो यहाँ पे मेस बना रहा है, यहाँ पे मेस बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा, बट यहाँ पे नहीं बनाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्ट्रेट जाएगा और एक सिप चढ़ के जाएगा, एक टॉप पे है ठीक है। तो यहाँ पे मेस टाइप का नहीं बनाएगा, बट यहाँ पे देखिएगा ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। तो हम लोग का सेक्शन में ये जो बार दिख रहा है ये पूरा थॉरली नहीं जा रहा है। ये जो यहाँ दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इस लाइन में है, इस लाइन में है, लेकिन ये थॉरली पूरा नहीं जा रहा है। ये कितना जा रहा है मैं बताता हूँ, ये देखो ये जस्ट इतना जा रहा है, यहाँ पर भी ये सिर्फ इतना ही जा रहा है, इधर भी सिर्फ ये इतना जा रहा है, ये पूरा नहीं जा रहा है ठीक है। ये चीज समझना है, थोड़ा इमेजिन करना होगा आपको। अब चलो अब जानना होगा कि ये इसका लेंथ कितना है ठीक है, ये कितना है, यही चीज मैं भी बताऊंगा, इसका लेंथ निकालना। ये चीज आप ध्यान से देख लो, नहीं होगा तो करके एक बार समझ लो ठीक है। ये बार जो है ये पूरा नहीं जा रहा है,
जस्ट यहीं तक है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इस व्यू से देख रहे थे सेक्शन ए में, तो अभी हम लोग निकालेंगे इसका लेंथ और इसका लेंथ, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। पहले तो नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, एल डैश बाई फाइव, ये है मेरा लेंथ, बाई स्पेसिंग 100 प्लस 1 इंटू 2। इंटू 2 क्यों क्या हूँ मैं बता रहा हूँ, पहले एल बाई डैश फाइव देख लो क्यों आ रहा है। ये देखिए मैं अभी इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो जो बार है ना वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और ये बार कब कहाँ तक जाएगा, ये देखिए ये जो एल डैश बाई फाइव जो दिखाया है ना, ये वहाँ तक जाएगा। मतलब ये आते 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 कहाँ तक आएगा, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। तो इसका स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग तो 100 100 है, बट ये कितना नंबर है ये कौन सा लेंथ डिसाइड करेगा, ये एल डैश बाई फाइव डिसाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने लेंथ में एल डैश बाई फाइव पकड़ा है, यहाँ पे देखिए एल डैश बाई फाइव, ठीक है। अब एल डैश बाई फाइव कितना आएगा, एल डैश मेरा कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर मतलब आप करके देख लेना, 6000 बाई 5 करोगे तो आएगा 1200 बाई 100 प्लस 1 इंटू 2। अच्छा इंटू 2 क्यों किया हूँ, देखिए इंटू 2 करने का रीज़न है, ये तो यहाँ भी है और यहाँ भी आएगा, ठीक है, इसलिए इसको इंटू 2 किया हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप, मेरा नंबर आया 26। 26 का मतलब 13 बार इधर है और 13 बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा टोटल नंबर ऑफ बार निकल गया। अब कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये बार देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये लेंथ कितना है मुझे जानना है, मुझे पता है कि टोटल लेंथ कितना है, ये L पता है ना मुझे कितना है, कितना है 5 मीटर। उसमें से ये कितना माइनस करना होगा मुझे, देखो L बाई फाइव इधर से माइनस करना होगा, L बाई फाइव इधर से माइनस करना होगा। देखो वही चीज़ मैंने किया है, L पकड़ा, L मतलब टोटल पकड़ा हूँ, L मतलब टोटल पकड़ लिया हूँ L, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया है, माइनस किया है 2 इंटू L बाई फाइव। L बाई फाइव जो है वो इधर से माइनस कर दिया हूँ और इधर से ही माइनस कर दिया हूँ, तब मेरे पास क्या लेंथ बच गया, ये लेंथ बच गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, 2 इंटू 100 क्यों कर दिया, तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये स्लैब है, ये है मेरा एल बाई फाइव, इधर से भी है एल बाई फाइव। मैं टोटल लेंथ में अगर ये माइनस करूँ और ये माइनस कर दूँ तो मुझे ये रॉड का लेंथ तो मिल गया, बट हम मैंने क्या किया है, 100 इधर एक्सटेंड किया है और 100 इधर एक्सटेंड किया है, समझ गए मेरा बात। ये जो बार है 100 इधर एक्सटेंड किया है और 100 इधर एक्सटेंड किया है, क्यों, इसके साथ लैप करने के लिए, ठीक है। ये जो मेरा मेस बनेगा यहाँ पे, ये जो मेस बनेगा इसमें 100 अंदर घुसा दिया और इधर भी 100 अंदर घुसा दिया हूँ ताकि इसके संग ये लैप हो जाए, समझ गए। इसलिए मैंने 2 इंटू 100 पकड़ा है, ये एक्स्ट्रा पकड़ा है। बस एल का वैल्यू कितना है 5000, ये वैल्यू पुट कर दो आएगा आपका 2.8 मीटर। टोटल नंबर ऑफ कितना बार है, 26 नंबर्स, 26 नंबर्स के लिए 72.8 मीटर होगा। तो ये मेरा हो गया सेक्शन ए पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बीबी में। सेक्शन बीबी में आने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं चाहता हूँ आप खुद से करो पहले इसको, खुद से करने के बाद फिर मेरे आंसर से आप टैली करो कि आपका मिल रहा है कि नहीं, तो ये आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। सो चीटिंग मत करो, पहले खुद से कर लो उसके बाद यहाँ से आकर मिला लो, फिर भी मैं बता देता हूँ आंसर, ठीक है, कैसे क्या होगा। सेक्शन बी बी, सेक्शन बी बी मतलब ये है मेरा सेक्शन बी बी, मतलब अगर मैं इस एंगल से काटता हूँ और इधर से देखता हूँ तब जो दिखेगा ये पार्ट, ये है सेक्शन बी बी मेरा। तो ये भी बहुत इजी है। अब क्या होगा कि एल डैश का काम आएगा ज़्यादातर,
उससे पहले मैं नंबर ऑफ बार निकाल लूँ, ये जो बेंट अप बार है, ये जो बेंट अप बार है, ये कितना नंबर आएगा मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो ये कितना नंबर आएगा मेरा, ये एल डिसाइड करेगा कि कितना नंबर आएगा, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, और इस डायरेक्शन में आने का मतलब क्या होता है, ये लेंथ डिसाइड करेगा कि कितना नंबर्स बार आएगा। तो देखो नंबर ऑफ बार पहले निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है, लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस वन। लेंथ कितना है, 5 मीटर, तो 5000 बाई 100 प्लस वन, टोटल आया 51। क्रैंक मैं बोला ही था एक ज़्यादा ले लेना, क्योंकि इक्वल अगर नहीं हुआ तो, अगर 50 होता तो 50-50 कर देता, ठीक है। तो क्रैंक को 26 कर दिया, स्ट्रेट को 25 कर दिया। चलो अब क्रैंक कटिंग लेंथ पे आते हैं। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला एल डैश, मतलब ये रहा एल डैश, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक को पकड़ लिए, उसके बाद क्रैंक को ऐड कर देंगे, फिर क्या करेंगे एल डी को ऐड कर देंगे दोनों साइड से, उसके बाद क्या करेंगे बेंड को माइनस कर देंगे, बस निकल गया। यही है, एल डैश प्लस क्रैंक प्लस एल डी माइनस बेंड। एल डैश कितना है, 6000, प्लस क्रैंक के लिए 0.42D × 2, दो क्रैंक बेंट है ना इसलिए × 2, प्लस 50D × 2, दो एल डी आएगा इसलिए 50D × 2, माइनस चार बेंट आएगा 45 का इसलिए 4 × 1D, और दो बेंट आएगा 90 डिग्री का इसलिए 2 × 2D। बस इसको सॉल्व करना, 7.22 मीटर आएगा। टोटल नंबर ऑफ कितना है क्रैंक, 26 नंबर्स, तो 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 187.72 मीटर। स्ट्रेट बार कैसे निकलेगा, स्ट्रेट बार तो और इजी, एल डैश बाई जस्ट एल डी ऐड होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आपका आएगा 7.2 मीटर, तो 25 नंबर्स के लिए आएगा आपका 180 मीटर, 180 मीटर, ठीक है। ये समझा देता हूँ, टॉप बार, टॉप बार जो एक्स्ट्रा आएगा वो, अब मैं कौन सा, अब हम लोग पकड़ने वाले हैं, हम लोग अब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं ना, इसका मतलब अब निकालेंगे हम लोग ये वाला बार, ठीक है। ये वाला बार सिंपल, ये भी है, हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल लेंथ लेंगे, उसमें एल बाई फाइव इधर से, एल बाई फाइव इधर से माइनस करेंगे, और फिर क्या करेंगे 100 इधर ऐड करेंगे, 100 एक्स्ट्रा इधर ऐड कर देंगे ताकि लैप हो जाए इसके साथ। सिंपल, बहुत इजी है स्लैब, वन ऑफ द इजीएस्ट बीबीएस होता है स्लैब का, मेरी तरफ से मानो तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार पहले निकाल लेता हूँ। देखो एल बाई फाइव, अब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से, तो मेरा जो बार आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कहाँ तक आएगा, ये एल बाई फाइव जहाँ तक गया है वहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये एल बाई फाइव डिसाइड करेगा कितना नंबर्स होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, एल बाई फाइव बाई 100 इन प्लस 1 × 2, ठीक है। नंबर ऑफ इंटू टू क्यों किए हैं, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। चलो एल बाई फाइव कितना होगा मेरा, एल कितना है, एल कितना है मेरा 5 मीटर, तो एल क्या है 5000 बाई 5, इसको अगर काटोगे तो आपका आएगा 1000, 1000 के बाद नीचे 100 है, 100 डाल दो, प्लस 1 × 2, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 22 नंबर्स, मतलब 11 बार इधर आएगा और 11 बार इधर आएगा, ठीक है। बस कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो टोटल ले लो, एल डैश माइनस, दोनों तरफ से एल माइनस कर दो, एल डैश बाई फाइव को, प्लस लैप के लिए 2 × 100, 100 100 बोथ साइड ऐड कर दो, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, आपका आएगा 3.4 मीटर, तो टोटल कितना है 22 नंबर्स, फॉर 22 नंबर्स 3.4 × 22 जो आता है 74.8 मीटर। तो यहाँ पे मेरा बीबीएस ये ख़त्म हो गया, बीबीएस तो ख़त्म हो गया, बट इसे देख के मत करना, पहले खुद से कर लो, और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है जो मैं भी नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इसी तरह से मैं नया नया वीडियो लाऊंगा, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करो, ताकि और भी बहुत से बहुत ज़रूरतमंद इसका फ़ायदा उठा सकें, यहाँ से बहुत कुछ नया नया सीख सकें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।